कानपुर दक्षिण में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के प्रकोप और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। हाथों में मच्छरदानी तख्तियां लेकर किया नगर निगम 5 के कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोन 5 के अधिकारी को दिया ज्ञापन। प्रदेश सचिव विकास अवस्थी ने गंदगी और नाला सफाई सहित फॉगिंग के लिए नगर आयुक्त के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। मैं विकास अवस्थी हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आज शहर में जो नगर निगम और सरकार की लापरवाही के कारण, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण नगर निगम डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की चपेट में है। हजारों लोग बीमार हैं, सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। हम लोग आज नगर निगम को जगाने के लिए आए थे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता चावला मार्केट चौराहे से हम लोग निकले थे और जोन 5 नगर निगम का जो कार्यालय गोविंद नगर में है, जहाँ पर हमने आकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि जो डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया शहर में फैल रहा है, उसमें नगर निगम की लापरवाही ये है कि गंदगी साफ नहीं हो रही है, दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, उसकी मांग को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और जल्द से जल्द अगर नगर निगम अपने काम को सुचारू रूप से नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन का रूप धारण करेगी कांग्रेस पार्टी।